हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बिग बॉस 13 में एज अ वाइल्ड कार्ड नजर आए तहसीन पूनावाला भले ही शो से बाहर हो गए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो खूब एक्टिव हो रहे हैं। तहसीन पूनावाला ने हाल ही में पीएम मोदी को लेकर ट्वीट किया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल तहसीन पूनावाला ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर ट्वीट किया और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तंज भी कसा है। तहसीन पूनावाला ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत के महान राजनेता जवाहरलाल नेहरू की याद में कल्पना करें कि अगर नेहरू जी की जगह मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो चीजें कैसी होती। एक अवैज्ञानिक राष्ट्र, खोखले संस्थान, जिंदगी और कानून के लिए कोई मायने नहीं, असफल अर्थव्यवस्था। हम नेहरू की डेमोक्रेसी में नहीं, मोदी की मोबोक्रेसी में होते। बता दें कि मोदी पर तंज कसना तहसीन को काफी भारी पड़ गया है। ट्विटर पर लोगों ने तहसीन को जमकर ट्रोल किया है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। तहसीन के बिग बॉस में जाने का डिसीजन किसका था यार, ये बता दो बस। सर क्या हो गया है, बिग बॉस से आके यू आर डूइंग सो मच मोदी मोदी, कहीं बिग बॉस मोदी जी खुद तो नहीं थे ना। वहां पब्लिसिटी नहीं मिली तो फिर से मोदी मोदी कर पब्लिसिटी चाहिए इसे। यहाँ भी मोदी, वाओ, सो मच इम्पोर्टेंस टू हिम ऑन दिस डे ऑल्सो। बिग बॉस में तुम्हारी इमेज देखकर बची हुई इज्जत भी खत्म हो गई। फालतू इंसान, नेहरू जी की बर्थडे विश कर, लेकिन नफरत इतनी कि इसमें भी मोदी मोदी याद आ रहा है। तो देखा आपने, मोदी के खिलाफ बोलना तहसीन पूनावाला को काफी भारी पड़ गया है। लोगों ने जमकर उनकी खिल्ली उड़ाई है। बता दें कि तहसीन पूनावाला हाल ही में टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आए थे। बिग बॉस में एंट्री से पहले तहसीन पूनावाला ने शो को जीतने का दावा किया था, लेकिन तहसीन पूनावाला पहले हफ्ते में ही घर से बेघर हो गए। तहसीन पूनावाला की बिग बॉस में आसिम रियाज के साथ जमकर कहा सुनी हुई थी। हालांकि तहसीन पूनावाला बिग बॉस में अपना कोई भी असर छोड़ने में कामयाब नहीं हुए, इसी वजह से वोटिंग में वो घर से बेघर हो गए। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।